आज हम वेज मोमोज बनाएंगे। मोमोज साउथ एशियन डंपलिंग है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ एशियन हिमालयन रीजन की एक पॉपुलर डिश है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मोमोज बनाना शुरू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को गूंथकर तैयार करेंगे। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप ग्राम में 125 ग्राम मैदा लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सख्त आटा गूंथकर तैयार करेंगे। हमने मैदा को मीडियम सख्त गूंथ लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आटा को मसलकर चिकना करेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। ये हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने में हमें 1/2 कप से भी कम पानी लगा है। 1/2 कप और 1-2 चम्मच पानी और बच गया है। आटा को ढककर 15 से 20 मिनट का रेस्ट टाइम दे देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम मोमोज के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए एक बड़ा बाउल ले लीजिए। इसमें 1 कप ग्राम में 125 ग्राम पत्ता गोभी डालिए। पत्ता गोभी को हमने कद्दूकस करके और इसका अतिरिक्त पानी निचोड़ कर ले लिया है। 1 मीडियम साइज की गाजर, इसे भी कद्दूकस करके लेना है। 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर लेना है। 1/4 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 बीन्स बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच सोया सॉस, स्वाद अनुसार या 3/4 चम्मच नमक डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्टफिंग के लिए आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि आप इसके लिए हरे मटर ले सकते हैं, फूल गोभी को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। जो भी सब्जियां आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब पैन गरम करेंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरे डालेंगे। जीरे जब चटकने लगे तो इसमें 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हल्का सा सौते करेंगे लगभग 30 सेकंड तक, आंच धीमी रखेंगे। इसके बाद 1 चम्मच कद्दूकस किया अदरक डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। अब पैन में मिक्स वेजिटेबल डालेंगे और इसे 1 मिनट तक धीमी आंच पर सौते करेंगे, इसे पकाना नहीं है। 1 मिनट के बाद आंच बंद कर देंगे और स्टफिंग को बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और आटा को मसलकर चिकना करेंगे लगभग 1 मिनट तक। आटे को 2 या 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। पहले आटे को इस तरह से लंबाई में सेप देंगे। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सभी पीसेस की लोइयां बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। मैंने बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। इसी तरह से बचे हुए आटे की भी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। अब आटे की एक लोई लेंगे और इसे सूखे आटे में लपेटकर बेलेंगे। पूरी को बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा मोटा ना बेलें। बेलते समय ध्यान रखें कि पूरी बीच से पतली ना हो। बेलन को पूरी के किनारों पर चलाएं। ये हमारी पूरी बनकर तैयार है। इसी तरह से सारी पूरियां बेलकर तैयार करेंगे। हमने पूरियां बेलकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। एक पूरी को हाथ में रखेंगे इस तरह से। अगर जरूरत लगे तो चारों तरफ हल्का सा पानी लगाएंगे। 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। पहला फोल्ड हम इस तरह से बनाएंगे, दूसरा फोल्ड उससे थोड़ी दूरी पर बनाकर चिपकाएंगे। इसी तरह से 4 से 5 फोल्ड बनाएंगे और इस तरह का शेप देंगे। मोमोज बनकर तैयार है, इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से सभी मोमोज बनाकर तैयार करेंगे। आप मोमोज को अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं और अगर आप इसे और आसानी से बनाना चाहते हैं तो इसे गुजिया का शेप भी दे सकते हैं और इसे गुजिया के मोल्ड में भी बना सकते हैं।
हमने सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। मोमोज पकाने के लिए हम मोमोज मेकर का यूज करते हैं। अगर आपके पास मोमोज मेकर ना हो और जाली वाला बर्तन भी ना हो तो भी हम मोमोज बना सकते हैं। आज हम मोमोज को बिना मोमोज मेकर के और बिना जाली के बनाएंगे। इसके लिए एक बर्तन में 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। अब हमें एक इस तरह का कोई भी पतला सूती कपड़ा लेना है जिसे हम बर्तन के ऊपर रखकर बांधेंगे। कपड़ा ज्यादा पतला हो तो इसे फोल्ड करके दोहरा कर लें। पानी गर्म हो गया है, अब बर्तन के ऊपर कपड़ा रखकर इसे टाइटली बांध दें इस तरह से। आप देख रहे हैं कि स्टीम कपड़ा के ऊपर आसानी से आ रही है। ये हमारा इंडियन स्टीमर तैयार है। अब कपड़ा के ऊपर मोमोज रखेंगे। एक बार में जितने मोमोज आ जाएं उतने रख देंगे। मोमोज को चिपकाकर न रखें, इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है। अब कोई भी गहरी प्लेट लेकर पलटाकर मोमोज को ढक देंगे और मोमोज को 10 से 12 मिनट तक स्टीम करेंगे। आंच मीडियम रखेंगे। बारह मिनट हो गए हैं, मोमोज अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। मोमोज को प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के मोमोज को भी इसी तरह से स्टीम करेंगे। सभी मोमोज बनकर तैयार हैं और इतने डो और स्टफिंग में 19 से 20 मोमोज बनकर तैयार होंगे। गर्मा गर्म मोमोज को चटनी के साथ सर्व करें। मोमोज की चटनी कैसे बनाएं इसके लिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, या फिर इसके लिए आप मेरी वेबसाइट anybodycancookbyarchana.com ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।